हेलो फ्रेंड्स, तो दर्शन करिए आज रैला के सबसे पवित्र स्थान नारायण सारी का और ये खूबसूरत विहंगम दृश्य। ये नारायण सारी का स्वयंभू शिवलिंग है जिसके दर्शन आपको सिर्फ और सिर्फ मैं करा रहा हूँ। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यहाँ लक्ष्मी नारायण जी साल में सिर्फ 4-5 बार ही आते हैं और यहाँ पूजा पाठ होता है। यह लकड़ी की नक्काशी बिल्कुल सिमिलर है राजस्थान और गुजरात के मंदिरों में पाए जाने वाली नक्काशी के। फर्क यह है कि वो पत्थर के है और यहाँ ये लकड़ी पे की गई है। जैसा कहा भी जाता है कि राजपूत मैदानी इलाके छोड़कर पहाड़ों की ओर आए और यहीं बसे। इस मंदिर का दरवाजा पूर्व की ओर न होकर उत्तर की ओर है जिसकी वजह ये ऊपर वाली धलियारा कोठी है। प्राचीन समय में जब बहुत ज़्यादा बर्फ आती थी तो पुजारी ने ऊपर से ही इस मंदिर के लिए धूप पत्ती की और चमत्कार देखिए ये मंदिर ही घूम गया। यही कहानी इस मंदिर के दरवाजे का पूर्व के बजाय उत्तर की ओर होने के पीछे बताई जाती है। यह दरवाजा बहुत ही खास मौकों पर निकलता है जब यहाँ के आराध्य देव श्री लक्ष्मी नारायण जी यहाँ आते हैं, उन्हीं दिनों सिर्फ यह दरवाज़ा निकलता है, बाकी दिन ये बंद ही रहता है और इस शिवलिंग के दर्शन विरले ही लोगों को मिल पाते हैं। इस मंदिर की एक खास बात मैंने ये भी देखी कि इसकी कुछ दीवारों पे कलाकृतियाँ नहीं उकेरी गई है, कुछ खंभों पे भी कलाकृतियाँ नहीं उकेरी गई है। ये किस ओर इशारा कर रहा है ये समझ नहीं आता, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई मंदिर सिर्फ कुछ एक जगह कलाकृतियाँ बनाई जाए और बाकी को ऐसे ही खड़ा किया जाए। इसके पीछे भी कोई राज है, क्या पता। जैसा कहा जाता है ना कि ये एक रात में बनाया गया या एक हफ्ते में बनाया गया, वैसा ही कुछ किया गया हो, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ खंभों पे कलाकृतियाँ ही ना बनाई हो और कुछ खंभों पे बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ उकेरी गई हो।